इक्विटी और डेट। तो बेटे इसके लिए पहले कंसेप्ट नंबर 10 लिखना पड़ेगा। सेकंड पार्ट अभी करा दो, आप लिख ले पहले बेटे, जगह देख ले कितनी छोड़नी है। ये सेकंड पार्ट है, अभी करेंगे। सेकंड पार्ट में वो हमें कुछ निकालने की बातें कर रहा है, इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी कैलकुलेट करना है। अभी मैंने बताया नहीं, अभी बताऊंगा। आप मान के चलिए कि भाई आधे से थोड़ा सा ज्यादा पेज, एक पेज छोड़ दीजिए, बेटर रहेगा, एक पेज छोड़ दीजिए। अभी मैं इसमें दोबारा आऊंगा। पहले आप क्या करें, कंसेप्ट नंबर क्या करें, 9th तो लिख चुके हैं, 10th लिखें जी। कंसेप्ट नंबर 10th एक बार लिख ले। इन डिफरेंस पॉइंट, पूरा नाम लिख सकते हैं। इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी लिखे तो ज्यादा अच्छा है। कंसेप्ट नंबर 10, इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी लिखे तो ज्यादा अच्छा है। इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी लिखे तो ज्यादा अच्छा है। द पॉइंट ऑफ डेट इक्विटी मिक्स, ऐसे लिखना बेटे। द पॉइंट ऑफ डेट इक्विटी मिक्स, ऐसे लिखना बेटे। द पॉइंट ऑफ डेट इक्विटी मिक्स वेयर ईपीएस इज सेम इन बोथ द प्रपोजल्स। द पॉइंट ऑफ डेट इक्विटी मिक्स वेयर ईपीएस इज सेम इन बोथ द प्रपोजल्स इज नेम्ड एज इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, आराम से बेटे पहले लिख लो, भले समझ कुछ नहीं आएगा कोई बात ही नहीं, बंदा हाजिर है, मैं समझाऊंगा बेटे। बेटे मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रहा, फिर भी एक बार लिख ले बेटे, समझाऊंगा ना, भी कह तो दिया समझाऊंगा, मुंह छोटा कर लेते हो बेटे एक सेकंड में। लिख लिया जी बेटे, ये भी लिखना है, फॉर्मूला लिखना है बेटे, एक फॉर्मूला है, रटना नहीं है बेटे, खाली लिखना है। मैं अभी समझा दूंगा कैसे आया, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब समझाऊंगा, बस लिख लीजिए।
ईपीएस इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा मैंने ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू वन माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सिंबॉलिकली वी कैन राइट एज फॉलोस एंड देन पुटिंग द फिगर्स वी कैन कैलकुलेट ईबीआईटी. आराम से बेटे ईपीएस वन, मैंने फॉर्मूला वो लिखा लेकिन वन वन लिख दिया, फिर टू टू लिख दिया. नाउ वी नो ईपीएस वन इज इक्वल टू ईपीएस टू. So solving RHS we can calculate EBIT. तक लिखिए. लिख लिया बेटे. अब बात को ध्यान से सुनना है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बताने जा रहा हूं और बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप ध्यान से बात को सुनेंगे. मैं ये कह रहा हूं बेटे, ये वाली चीज वैसे मैंने आपकी किताबों में भी लिखी हुई है, एक बार अगर आप देखें तो किताबों में भी दिखेगी. मैं दिखाता हूं बेटे एक सेकेंड. बेटे क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ ईबीआईटी स्लैश इक्वलेंसी लेवल और राइट अ नोट ऑन ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस. आप सभी ये वाला पेज निकालिए, पेज नंबर 204 है बेटे, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है. मैंने लिखा है द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ ईबीआईटी. मैं बार बार बोल रहा हूं ऑफ ईबीआईटी इज रेलेवेंट व्हेन वी हैव टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ टू प्रपोजल्स. अंडरलाइन कर दीजिए इस लाइन को, 50 बार पेपर में आ चुका है, आई शुड हैव लर्न्ड, 100 बार सीएस में आ चुका हो. द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट इज रेलेवेंट व्हेन वी हैव टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ टू प्रपोज कैपिटल स्ट्रक्चर्स. वन मे हैव नो फाइनेंशियल लिवरेज एंड अदर मे हैव लोअर फाइनेंशियल लिवरेज और हायर फाइनेंशियल लिवरेज. बेटे मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने अभी तक देखा कि आपके सामने दो प्रपोजल्स होते थे, कई जगह तीन प्रपोजल्स होते थे और आप क्या करते थे, ईबीआईटी से शुरू करते थे, लेस इंटरेस्ट लेस कर देते थे, बैलेंसिंग फिगर ईबीटी आ जाती थी, फिर टैक्स भी लेस कर देते थे, फिर बैलेंसिंग फिगर ईएटी आ जाती थी, फिर बेटे लेस प्रेफरेंस डिविडेंड कर देते थे, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व्स करते थे, लास्ट में ईपीएस कैलकुलेट करते थे. तो आज तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते थे. मान लेते हैं दो प्रपोजल्स हैं, हो कितने भी सकते हैं. मैं कहता हूं जी आपने कहानी किस्मत की यहां से शुरू की, ये फिगर्स आपके पास आनी शुरू हो गई, ये फिगर्स आनी शुरू हो गई. ईबीआईडी लेस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी, लेस टैक्स इज इक्वल टू ईएटी, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व्स. बेटे ये आ गया प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स EPS, price earning ratio MPS. बेटे आपको ये चीज गिवन होती थी
और सेव होती थी और नीचे नीचे आप कैलकुलेट कर लेते थे और नीचे पहुंच जाते थे और ईपीएस तक निकालते थे और जिसकी ईपीएस ज्यादा आती थी, अगर मान लेते प्राइस अर्निंग रेशो दिया ही नहीं हुआ, तो जिसकी ईपीएस ज्यादा आती थी आप उस ऑप्शन को ले लेते थे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मान के चले ईपीएस दोनों की सेम आ रही है, सेम आ रही है, मान लेते हैं सेम है, वो पूछ रहे जी अगर ये सेम हो तो ये बताओ कि ईबीआईटी कितनी रख दे, कितनी कितनी ईबीआईटी हो जिससे 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 हाँ जिससे ईपीएस सेम आ जाए, कितनी ईबीआईटी हो, कितनी ईबीआईटी हो जिससे ईपीएस सेम आ जाए, उस लेवल को बोलते हैं दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी इज नेम्ड एज इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। आराम से बेटा लिखना, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनना है। मैंने कहा जी इसका नाम इंडिफरेंस पॉइंट नहीं है, इस कंसेप्ट का नाम है इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ ईबीआईटी या इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। इसका मतलब ऐसा कौन सा लेवल है ईबीआईटी का, ऐसा कौन सा लेवल है ईबीआईटी का जिसको पुट करने के बाद, जिसको पुट करने के बाद ईपीएस नीचे सेम आ जाए। बेटे बेटे इसी लेवल को हम कहते हैं इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। बेटे इसी को बोलते हैं इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। बेटे इन डिफरेंस लेवल कितना रख दे कि हमारी ईपीएस नीचे सेम आ जाए, जरूरी नहीं आ भी जाए, मैं वैसे पूछ रहा हूं। तो बेटे मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब भी डिसाइड करें कि कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है, मैंने ये बात लिखवाई थी बेटे, कुछ डिसीजन क्राइटेरियाज होते हैं, कंसेप्ट 9th में हमने लिखा था डिसीजन क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल डिसाइड, वी विल डिसाइड ऑप्टिमम, ऑप्टिमम दैट इक्विटी मिक्स। बेटे ये जो डिसीजन क्राइटेरिया है इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रिटर्न बेस, रिटर्न के क्राइटेरिया और एक रिस्क के और कॉस्ट के, जो भी बताने। मैंने कहा जी हायर रिटर्न लेते हैं वो बेटे लो कॉस्ट लेते हैं, तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए जिसका मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा हो, मार्केट प्राइस पर शेयर सबसे ज्यादा हो। दूसरी देनी चाहिए जिसका अर्निंग प्राइस, अर्निंग प्राइस पर शेयर सबसे ज्यादा हो। मतलब अगर एमपीएस डिसाइड नहीं कर पा रहे या एमपीएस से निकाल ही नहीं पा रहे तो फिर ईपीएस के बेसिस में करेंगे। बेटे कॉस्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूं इन डिफरेंस लेवल। बेटे यार एक थर्ड क्राइटेरिया भी बता दिया, आप इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी से भी डिसाइड कर सकते हैं कौन सा प्रपोजल बेस्ट है, आज पता चलेगा। अभी तो मीनिंग बताया कि इंडिफरेंस लेवल होता क्या है। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रपोजल बेस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर मेरे बेटे लिवरेज से भी डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेवल बेस्ट है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं डेट इक्विटी मिक्स,
बेस्ट निकालने के लिए एक तो रिटर्न का बेस होना चाहिए और एक रिस्क का और कॉस्ट का बेस होना चाहिए। रिटर्न हायर लेना चाहिए और रिस्क और कॉस्ट लोअर लेना चाहिए। रिस्क और कॉस्ट में इंडिफरेंस पॉइंट है, दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तीसरा है लिवरेजेस। तो मैं अभी इंडिफरेंस लेवल बता रहा हूं, तो मैंने कहा हमें वो स्ट्रक्चर लेना चाहिए जिसका इंडिफरेंस लेवल लोअर हो, वो भी देख लेंगे क्यों। तो इन डिफरेंस लेवल के बारे में मैंने दो बातें बताई, एक तो मीनिंग और एक बताई इसकी इंपॉर्टेंस जो अभी बतानी है, हाउ इट विल बी यूजफुल। एक तो मीनिंग और एक इंपॉर्टेंस, हाउ दिस विल बी यूजफुल व्हाइल सिलेक्टिंग ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स। तो मैं पहले मीनिंग बताऊं और फिर इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताऊं, फिर आगे चलूंगा बेटे। तब तक एक बार आप थ्योरी में पढ़ लीजिए, इंडिफरेंस लेवल के बारे में पढ़िए एक बार। मैंने कहा मीनिंग का मतलब तो मुझे समझ आ गया, दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी इन डिफरेंस, इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी मींस, इट मींस दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच EPS will remain same। बेटा हिंदी अनुवाद देखें तो क्या है, जहां पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, indifference, no difference in, no difference in my opinion, मेरी opinion के हिसाब से कोई difference नहीं है क्योंकि दोनों में EPS सेम है, उस लेवल को बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। अब मैं बताना जा रहा हूं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, और जैसे ये समझ आ जाएगा मैं बताऊंगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। बेटे एक एक करके करेंगे, जल्दबाजी तो करनी ही नहीं है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, हाउ इट विल बी यूजफुल, हाउ इट विल बी यूजफुल इन डिजाइनिंग ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स। तीन बातें करनी है बेटे, एक इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, एक हाउ टू कैलकुलेट और एक व्हाट इज इंपॉर्टेंस एंड हाउ इट विल बी यूजफुल इन डिजाइनिंग ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स। ठीक है जी, चलिए मैं आपके सामने मान रहा हूं लेट देयर बी, हमें कैलकुलेशन पार्ट पहले बता दू, कैलकुलेशन के लिए मैं एक चीज मान रहा हूं, लेट देयर बी टू कैपिटल स्ट्रक्चर्स। मान लेते हैं कि दो कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैं, लेट देयर बी टू कैपिटल स्ट्रक्चर्स। तो अगर दो हैं तो मैं तभी तो इंडिफरेंस लेवल निकाल सकता हूं, इंडिफरेंस लेवल तो दो के बीच में निकलता है ना, पहले में और दूसरे में, तभी तो निकलेगा इंडिफरेंस लेवल। अकेले में क्या निकलना है, अकेले में क्या निकलना है, अकेले में क्या निकलना है, तो मैं लिख रहा हूं जी, मैं लिख रहा हूं लेट, मैं लिख रहा हूं लेट देयर बी टू डिफरेंट डिफरेंस, टू कैपिटल स्ट्रक्चर्स। अब मैं पहले कैपिटल स्ट्रक्चर में या दूसरे में डिफाइन करने के लिए वन और टू का प्रयोग करूंगा, जैसे पहला प्रपोजल है तो मैं यहां पे लिखूंगा ईबीआईटी वन, इंटरेस्ट वन, ईबीटी वन, टैक्स वन, ईएटी वन, प्रेफरेंस डिविडेंड वन, ट्रांसफर टू रिजर्व्स वन, यहां लिख दिया जी प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स वन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वन, ईपीएस वन। बेटे खाली समझाने के लिए मैंने वन 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 कर दिया। तो मैं यहां लिखूं ईबीआईटी टू, इंटरेस्ट टू,
ईबीटी टू, टैक्स टू, ईएटी टू, प्रेफरेंस डिविडेंड टू, ट्रांसपोर्ट रिजर्व टू, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स टू, एन टू एंड ईपीएस टू। तो बेटे मैं आपसे यही कह रहा हूं, इस चीज को मैं अब यहां पर ये निकालना है और ये मुझे पता है कि सेम होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं फॉर्मूले टाइप पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कैसे, देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं, ईपीएस वन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस, ईबीआईटी वन माइनस इंटरेस्ट वन इंटू वन माइनस टैक्स वन माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड वन अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वन, ईपीएस टू इज इक्वल टू ईबीआईटी टू इंटरेस्ट टू वन माइनस टैक्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड टू अपॉन एन टू। बोलो बेटा, लिख सकते हैं नहीं? और मुझे पता है कि एट इंडिफरेंस लेवल ये दोनों को दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो बेटे मैं आरएचएस को भी सेम कर सकता हूं, फिर मैं लिखूंगा एज वी नो ईपीएस वन इज इक्वल टू ईपीएस टू, लेट देयर बी इक्वेशन वन एंड लेट इट बी इक्वेशन टू, दैट इज LHS of equation 1 is equal to equation 2, hence it implies RHS of equation 1 is equal to RHS of equation 2। आराम से बैठे, कोई जल्दी नहीं, बेटे अब तो दोनों को सेम ही तो करना है। मैंने लिख दिया ईबीआईटी वन माइनस इंटरेस्ट वन इन, ये क्या आ गया बेटे ईबीटी, इसमें से बेटे वन माइनस टैक्स करना है, अगर मैं टैक्स से गुणा करूंगा तो टैक्स आ जाएगा, मुझे टैक्स लेस करने के बाद वाली फिगर चाहिए, इसलिए ये वाली फिगर आ गई ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये वाली फिगर आ गई प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स अपॉन एन वन इज इक्वल टू ईबीआईटी टू माइनस इंटरेस्ट टू इंटू वन माइनस टैक्स टू माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड टू अपॉन एन वन। और बेटे ईबीआईटी गिवन नहीं है, बाकी सब कुछ गिवन होगा, बाकी सब कुछ गिवन होगा मेरे बेटे। तो क्या We can then calculate equivalent in difference level. We can then calculate in difference level of E B I T. तो हम in difference level निकाल सकते आराम से बेटे। मैंने यही बातें आपको बतानी थी, अब मैं उसी क्वेश्चन को करूंगा जो क्वेश्चन में आपने एक पेज छोड़ा है। या चलिए मैं एक छोटा सा पॉइंट और करा दूं, मैं चाहता हूं कि एक नया क्वेश्चन कराऊं फिर आपको उसी क्वेश्चन में ले चलूं। क्वेश्चन नंबर 10th एक बार देख लें, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन 10th बेटे, तो अभी कुछ बातें बतानी है मैंने इसमें, क्वेश्चन नंबर 10th देख लें।
स्ट्रेंथ बेटे आपके लिए निकाल रहा हूं एक सेकंड के लिए, इंडिफरेंस पॉइंट और इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। टेंथ क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपको इंडिफरेंस पॉइंट समझ आ जाएगा। अ प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन रिक्वायर्स अ आउटफ्लो ऑफ 300 लाख। एक बच्चा कहने लगा कि मास्टर तूने वो क्वेश्चन तो कंप्लीट ही नहीं कराया सिक्स और उसका पेज छुड़वा दिया। कोई बात नहीं, अभी कराऊंगा, पहले एक बार इंडिफरेंस पॉइंट समझ लो, फिर वहां का इंडिफरेंस पॉइंट भी निकालेंगे। A new project under consideration requires outflow of 300 lakhs. The required funds to be raised either by equity shares or by equity shares of value of 200 and a loan of 100. Assuming this. Calculate the equity shares investors indifferent to the two options. Verify your answer by calculating EPS. आराम से बैठे 10th question पढ़ लीजिए। बेटे 10th पढ़ लिया, आओ बेटे हम इंडिफरेंस पॉइंट को सीख ले पहले कि हम कैसे करते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। तो बेटे 10th क्वेश्चन आपके सामने है। मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन 10th में सबसे पहला स्टेप लिख रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिव proposals. बेटे प्रपोजल 1 भी है 2 भी है।
300 लाख की जरूरत है, 300 लाख की जरूरत है, एक तो ऑप्शन ये है कि हम इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देते हैं 300 लाख, बेटे 3 लाख इक्विटी शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से बेटे 300 लाख। और दूसरी ऑप्शन क्या है बेटे, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 200 लाख। एंड लोन 15%, 100 लाख। ये आ गया बेटे 300 लाख, ये आ गया जी कैपिटल एम्प्लॉयड 300 लाख। बेटे अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में इंडिफरेंस लेवल निकालना है ईबीआईटी का, ठीक है जी। तो मैं लिख रहा हूं स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2, लेट प्रपोजल 1 बी सिंबॉलिकली, लेट प्रपोजल 1 बी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय रोमन 1 एंड लेट प्रपोजल 2 बी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय रोमन 2 फॉलोइंग विल बी द इक्वेशंस, इस तरह की इक्वेशंस होंगी। ईपीएस 1 इज इक्वल टू ईबीआईटी 1 माइनस इंटरेस्ट 1 इंटू टैक्स 1 प्रेफरेंस डिविडेंड 1 अपॉन एन 1। और बेटे ईपीएस 2 इज इक्वल टू ईबीआईटी 2 माइनस इंटरेस्ट 2 टैक्स 2 प्रेफरेंस डिविडेंड 2 अपॉन एन 2। फिर मैं लिख रहा हूं बेटे putting the figures and solving, putting the figures and solving, we get figures put करने के बाद और solve करने के बाद हमें क्या पता चला, ठीक है जी। देख रहे EBIT 1 minus interest, बताइए जी पहले केस में कितना interest आएगा, पहले केस में कितना इंटरेस्ट आएगा,
याद है बेटे। अब देखिए जी, पहले केस में इंटरेस्ट तो है ही नहीं क्योंकि खाली इक्विटी शेयर है, तो मैं लिख रहा हूं माइनस जीरो। और बेटे टैक्स का रेट कितना है, वन माइनस पॉइंट फाइव माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो अपॉन एन वन, एन वन, एन वन बेटे एन वन देख लीजिए 3 लाख। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। बराबर में ईबीआईटी टू माइनस बेटे इंटरेस्ट निकालना है बेटे 15% निकालना है 16 लाख का। बेटे 15 लाख आ गया। लो बेटे, क्योंकि सारी फिगर्स लाख्स में, इसलिए माइनस 15 लिख रहा हूं। वन माइनस पॉइंट फाइव माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो अपॉन 2 लाख। लो बेटे, 5 यहां के जीरो काट दो और 5 यहां के जीरो काट दो। पॉइंट फाइव ईबीआईटी अपॉन 3 बराबर में 0.5 ईबीआईटी माइनस 7.5 अपॉन 2। बेटे ए बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है मेरे बेटे। वन ईबीआईटी इज इक्वल टू 1.5 ईबीआईटी माइनस बेटे 22.5 है मेरे बेटे, और 0.5 ईबीआईटी इज इक्वल टू 22,50,000। आंसर आ गया बेटे, ईबीआईटी 45 लाख रुपए की आएगी, ये इस के कैलकुलेशन के बाद पता चला। आप चेक करिए, ईबीआईटी विल बी इक्वल टू 35 लाख। इसका नाम है इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी बेटे, तो मैं लिख रहा हूं हेंस इफ ईबीआईटी इज एग्जैक्टली रुपीज 45 लाख, देन ईपीएस विल रिमेन सेम। तो ईपीएस सेम आएगा इन बोथ द प्रपोजल्स, दोनों प्रपोजल्स में ईपीएस विल रिमेन सेम। आराम से बेटे, मैं इसको प्रूफ करा रहा हूं, मैं नीचे लिख रहा हूं बेटे क्रॉस चेकिंग। आपके मन में आ रहा होगा, पता नहीं आता है या नहीं आता, मैं एक बार क्रॉस चेकिंग कर रहा हूं, और क्रॉस चेकिंग से मैं ये प्रूफ करूंगा कि दोनों केसेस में ईपीएस सेम आ रहा है। ठीक है जी, चलते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूं, ईबीआईटी 45 लाख। तो अभी कैलकुलेशन करना हमको सबको समझ आ जाएगा। दिस इज प्रपोजल वन, दिस इज टू, लेस इंटरेस्ट ईबीटी, लेस टैक्स ईएडी,
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ईपीएस, आराम से बेटे पहले में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो ईबीटी आ गया जी 45 लाख, 22,50,000 टैक्स लेस कर दिया जी, तो ईएटी आ गया जी 22,50,000। बेटे 3 लाख इक्विटी शेयर्स थे, जरा निकाल लीजिए, 22,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ये आ गया जी 7.50 रुपए। अब मैं दूसरे में आ गया, 100 लाख का 15%, 1.5 लाख, चेक कर लीजिए, हमने यहां पर भी इंटरेस्ट ले लिया है, इंटरेस्ट 1.5 लाख है बेटे, कैसे आया चेक करिए, 16 लाख, 100 लाख के ऊपर 15%, 100 लाख के ऊपर 15%, 15 लाख रुपया है बेटे, 30 लाख, 15 लाख, 15 लाख बेटे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं बेटे, 2 लाख, चेक कर लीजिए 7,500, इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी का मतलब है ऐसा लेवल है ईबीआईटी का जहां पर ईपीएस सेम आए। तो बेटे देखिए प्रूव भी कर दिया, मैं इसी को ग्राफिकली भी कर सकता हूं, नीचे लिखिए फॉलोइंग इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, फॉलोइंग इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT। मैं बेटे एक ग्राफ बना रहा हूं और ग्राफ में आपको पता ही है एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, और बेटे ग्राफ में हम हमेशा वाई एक्सिस में क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, और एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो बेटे इसलिए इसका नाम है वाई ऑन एक्स। अब बेटे इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है ईबीआईटी, और डिपेंडेंट क्या है ईपीएस। बेटे ईबीआईटी और ईपीएस में तो देख रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट क्या है ईबीआईटी और डिपेंडेंट क्या है ईपीएस। आप मुझे बताइए आपके हिसाब से, आप लॉजिकली सोच के बताइए, ये जो कर्व है ये नीचे से ऊपर जाएगा अगर मैं एक्स एक्सिस में ईबीआईटी लू और वाई एक्सिस में ईपीएस लू, या ये इस तरह से आएगा, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग होगा या डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। बेटा रटना तो है ही नहीं, बताइए, बिल्कुल ठीक पहचाना, जितनी ईबीआईटी ज्यादा होती जाएगी ईपीएस उतना ही ज्यादा होगा। तो मैंने यहां पर अब आपके सामने एक ऐसा ईबीआईटी वन ईपीएस वन की लाइन ड्रॉ कर दी, और यहां पर दूसरी लाइन ईबीआईटी टू ईपीएस टू की लाइन आ गई, और बेटे यहां पर जब क्रॉस होगा और यहां पर जहां पर ईपीएस सेम होगा वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए डॉटेड लाइन, ये बेटे ये 45 लाख ऑफ ईबीआईटी है मेरे बेटे, यहां पर ईपीएस 7.5 रुपए की आएगी, चेक कर लीजिए।
ईबीआईटी 45 लाख रुपीज की है इक्विवेलेंसी लेवल, जहां पर ईपीएस 7.50 रुपए का है। तो बेटे मैंने ग्राफिकली भी करके दिखा दिया, यकीन मानिए अगर आप ग्राफ भी बनाएंगे तो ज्यादा फायदा होने वाला है। अब मुझे लास्ट पॉइंट बताना है क्या, हाउ और व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताना बेटे। तो मैं ये पहले ही बता चुका हूं, ऐसे लिखा हुआ है, आपने बताया तो नहीं, मैंने ऑलरेडी ये कहीं लिखा है, मैं वो बताता हूं कहां लिखा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार निकालिए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार निकाल लेंगे। लीजिए ये देखिए, यहां देखिए, इफ पहले आराम से ऊपर से पढ़िए क्या लिखा है, ऊपर तो मीनिंग लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट इज रेलेवेंट व्हेन वी हैव टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, वन स्ट्रक्चर मे हैव नो फाइनेंशियल लिवरेज, अदर मे हैव डेट और मे हैव लोअर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, देन इट शुड गो फॉर द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखिए यहां से डिसीजन स्टार्ट हो रही है, यहां से डिसीजन स्टार्ट हो रही है, इफ यहां से ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये देखिए यहां से स्टार्ट हो रही है, इफ इट्स ईबीआईटी इज लाइकली टू बी लेस देन इंडिफरेंस पॉइंट देन इट शुड गो फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर विद लोअर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फिर लिखा हुआ है इफ its EBIT is likely to be equal to indifference point, then it may go for either of the two capital structures। बेटे बस ये लाइन एक दो बार पढ़ लीजिए, बाकी का काम मेरा, मैं समझाऊंगा। बेटे आराम से ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिए कि इनडिफरेंस पॉइंट आपको किस तरह से मदद करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम करने में, ठीक है जी। मैंने कहा इफ एक्चुअल EBIT is greater than in difference level of EBIT, अगर actual EBIT ज्यादा है in difference level of EBIT से, मतलब 45 लाख रुपए in difference level of EBIT था और actual EBIT मान लेते 50 लाख है, तो पहले तो ये बताओ ये तो फैक्ट है और ये इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी फिक्शन है, ये फैक्ट है और ये फिक्शन है। मुझे इतना बताइए कि अगर एक्चुअल ईबीआईटी इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी से ज्यादा है तो ये अच्छी बात है या गंदी बात है, क्या ये अच्छी बात है या गंदी बात, ध्यान से सोच के बताएंगे। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, अगर एक्चुअल ईबीआईटी इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी से ज्यादा है तो मैं कहता हूं इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, इट इज अच्छी बात। क्यों अच्छी बात, क्योंकि फिर आप में रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा आ गई। इन डिफरेंस का मतलब है इस पॉइंट तक तो दोनों सेम ही है, लेकिन मेरा एक्चुअली में ईबीआईटी उससे ज्यादा है तो मेरे अंदर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो मैं यही बात कहने जा रहा हूं, अगर मेरे अंदर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है जी। तो मैं ये लिखूंगा
इफ एक्चुअल ईबीआईटी इज ग्रेटर देन इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, मैं यहां लिख रहा हूं डिसीजन क्राइटेरिया, उसी पॉइंट से मैंने पढ़ा, इफ एक्चुअल ईबीआईटी इज ग्रेटर देन इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी देन इट इंप्लाइज रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, इट इंप्लाइज रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी इज मोर, हेंस हेंस द कैपिटल स्ट्रक्चर, द कैपिटल स्ट्रक्चर विद हायर डेट मे बी सिलेक्टेड। आराम से बैठे, अगर एक्चुअल ईबीआईटी ज्यादा है इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी से तो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट, इट मींस आई विल देन सिलेक्ट दैट कैपिटल स्ट्रक्चर विच विल हैव अ हायर डेट। जैसे 45 लाख रुपए इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी और मेरी ईबीआईटी एक्चुअल 50 लाख है तो मुझे कौन सा लेना चाहिए स्ट्रक्चर, फिर उस केस में मुझे सेकंड प्रपोजल लेना चाहिए क्योंकि उसमें डेट ज्यादा है। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं, इफ इफ एक्चुअल ईबीआईटी इज लेस देन इनडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी देन इट इंप्लाइज then it implies the debt equity mix with lower incidence of debt may be selected। तो फिर मुझे lower incidence of debt वाला लेना चाहिए, मतलब अगर मेरी मान लेते हैं 35 लाख एक्चुअल है और 45 लाख तो मैंने निकाली थी तो एक्चुअल तो कम है, इसका मतलब मेरी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी कम है, इसलिए मुझे वो स्ट्रक्चर लेना चाहिए जिसमें रिस्क ना हो। अच्छा, रिस्क किसमें नहीं होगा, जिसमें डेट ना हो या डेट कम हो। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इंडिफरेंस पॉइंट आपके डेट इक्विटी मिक्स में कैसे मदद करता है। तो होमवर्क लिख ले आपको, अब क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पूरा कंप्लीट करना है क्योंकि 6 क्वेश्चन में मैंने पहला पार्ट कर दिया, जरा दूसरा पार्ट देखिए वो यही पूछ रहे हैं, प्लीज कैलकुलेट इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। EBIT का इन डिफरेंस लेवल निकालने की बातें हो रही हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने बड़ी मेहनत से बड़े प्यार से वो बातें बताने की कोशिश की है। आप देखिए, आप एक पेज छोड़ भी चुके थे, ये देखिए तेरा, जब सेल्स 4 करोड़ की होगी तो आपको इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी निकालना है जहां पर ईपीएस सेम हो, तो बेटे कर सकते हैं 3 लाख वहां पर है, 17 लाख वहां पर है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 18 और 10 है। ठीक है जी, मैं करके दिखा देता हूं बेटे, EPS 1 मैं आप कर रहा हूं बेटे, 6th का सेकंड पार्ट इज इक्वल टू EBIT 1
इंटरेस्ट वन, वन माइनस टैक्स वन, बेटे टैक्स के बाद वाली फिगर चाहिए होती है, उसके बाद बेटे माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड वन अपॉन एन वन, ईपीएस टू इज इक्वल टू ईबीआईटी टू, इंटरेस्ट टू, टैक्स टू, प्रेफरेंस डिविडेंड टू अपॉन एन टू। तो बेटे मुझे पता है ये दोनों सेम होगी, तो मैं लिख रहा हूं एट इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, ईपीएस वन विल बी इक्वल टू ईपीएस टू, हेंस आरएचएस ऑफ वन विल बी इक्वल टू आरएचएस ऑफ टू। आराम से बेटे, तो मैं दोनों को इक्वल कर रहा हूं बेटे, ये देखो ईबीआईटी वन, इंटरेस्ट वन, वन माइनस टैक्स वन, प्रेफरेंस डिविडेंड वन, एन वन, ईबीआईटी टू, इंटरेस्ट टू, टैक्स टू, प्रेफरेंस डिविडेंड टू, एन टू। फिर मैं लिख रहा हूं बेटे पुटिंग द फिगर्स, आराम से बेटे वी गेट फिगर्स पुट करने के बाद हमें पता चला, बस बेटे एक मिनट की तो बात रह गई, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देख लीजिए जी, इंटरेस्ट है बेटे 3,17,00,000, 3,00,00,000 और 17,00,000, एन वन एन वन बेटे बेटे 10,00,000 और 8,00,000 खत्म है बेटे, 10,00,000 और 8,00,000 है बेटे। बेटे 5,0 तो ये काट दो, 5 ये काट दो, आराम से ओपन कर लो 0.5 ईबीआईटी माइनस 1,50,000 अपॉन 5 बराबर में 0.5 ईबीआईटी माइनस 8,50,000 अपॉन 8 आराम से बेटे, या अपॉन 4 क्योंकि 2 से काट दिया, 2 ईबीआईटी माइनस 6,00,000 इज इक्वल टू 2.5 ईबीआईटी माइनस 42,50,000। बेटे अब सॉल्व भी करना है तो कर लेते, ये आ गया जी 36,50,000, ये आ गया जी 0.5 ईबीआईटी, और ये आ गया जी 73,00,000, 73,00,000, 73,00,000
इसको हम फिर प्रूव कर सकते हैं कि अगर 73 लाख हो तो फिर ईपीएस सेम होगी। तो इस तरह से मैंने 6 क्वेश्चन भी कर दिया और आपको ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट समझा दिया। अब मेरी इच्छा है कि आप होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन जरूर लिख लें। 7th मैंने नहीं किया, अगर आप नहीं करें तो करके लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले करेंगे। 9th कर लीजिए और 11th कर लीजिए, ये 4 क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। ट्राई तो जरूर कीजिए, देखिए हो या ना हो आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। तो आइए कहते हैं, होनहार बलवान के होते हैं चिकने पात। जो व्यक्ति लाइफ में टॉप पे जाने वाले हैं उनके कर्म अलग ही होते हैं। इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी।